बारागांव में विद्युत की करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस मौत की घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। हालांकि परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने उस मृत घोषित किया। घटना घटा है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जो बिजली से घटना घटा है, सबसे पहले तो जो परिजन आए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है, राष्ट्रीय जनता दल का संवेदना है। और साथ ही साथ जिस तरह से लचर व्यवस्था है सरकार का, प्रशासन का, तो हम सीधे तौर पर सरकार को दोषी मानते हैं। जो लचर व्यवस्था है बिजली की, यहाँ के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह जी देश के ऊर्जा मंत्री हैं, लेकिन उनके ही इलाके में आरा के अंदर में इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है, तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आर के सिंह जी ऊर्जा मंत्री हैं पूरी तरह से फेल हो गए हैं। और हम सीधे तौर पर सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल बिजली विभाग के SDO से, राष्ट्रीय जनता दल का मांग है कि तत्काल परिजनों को जो मुआवजा है, सरकार की जो मुआवजा राशि है, उसको उपलब्ध कराया जाए। और सीधे तौर पर मांग है कि उस परिवार के परिजन को एक सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की जाए, नहीं तो हम लोग यहीं पर हैं। अभी पोस्टमार्टम आने तक रिपोर्ट देख रहे हैं, आगे जो प्रशासन क्या कार्रवाई करती है हम लोग देखते हैं, फिर आगे जो होगा हम लोग करेंगे। क्या नाम है? भीम यादव, छात्र नेता RJD।